नमस्कार, यूफोरियो वॉइस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, 8 घायल। राफ्टिंग का रोमांच हुआ खतरनाक, नदी में पलटी नाव, 2 सैलानियों की मौत। जम्मू कश्मीर के हालात पर महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से की चर्चा, विधानसभा चुनाव को लेकर भी वार्ता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा, पीडीपी और नेका को इनसे मिलेगी कड़ी टक्कर, हुआ नया गठबंधन। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने 2 दिन के भीतर तीसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दक्षिण कश्मीर के जिले पुलवामा में आतंकियों ने एक पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमला किया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने मंगलवार शाम पुलवामा में एक पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका था। यह ग्रेनेड थाने के बाहर ही एक सड़क पर फटा, जिसके धमाके की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने तत्काल घायलों को पुलवामा के स्थानीय अस्पताल में दाखिल किया, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया। थाने पर हुए इस हमले और बीते दिनों हुई वारदातों के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने दक्षिण कश्मीर में अलर्ट घोषित कर दिया है। बता दें कि इस घटना के एक दिन पहले ही पुलवामा में सेना के एक काफिले पर हमला किया गया था। आईईडी के जरिए हुए इस हमले में सेना के 9 जवान और 2 नागरिक घायल हुए थे। आतंकियों ने जिस जगह पर आईईडी ब्लास्ट किया था वो 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले वाली जगह से 27 किलोमीटर दूर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में राफ्टिंग के दौरान एक नाव पलट गई है। इस नाव पर 6 लोग सवार थे। ये सैलानी नदी में राफ्टिंग कर रहे थे, तभी नाव पलट गई और सभी सैलानी नदी में डूबने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने आनंद फानंद में 4 सैलानियों को तो बचा लिया, लेकिन 2 सैलानी लापता हो गए। कुछ देर बाद इनकी डेड बॉडीज भी नदी से मिल गई है। लापता सैलानियों को ढूंढने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस ने काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गर्मी का मौसम होने की वजह से इन दिनों जम्मू कश्मीर में बर्फ पिघल रही है। इस वजह से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। गर्मी का मौसम होने की वजह से अब इन इलाकों में बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। रोमांच की खोज में सैलानी नदी में राफ्टिंग करते हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन न होने की वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। बता दें कि लिद्दर नदी एक छोटी नदी है। इसकी लंबाई 73 किलोमीटर है। ये नदी कोल्होई ग्लेशियर से निकलती है और मिरगुंड खानबल में झेलम नदी से मिलती है। स्थानीय पुलिस हादसे में मारे गए सैलानियों के परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात कर राज्य के हालात पर चर्चा की है। दोनों ने मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा की। इसके अलावा राज्य के विकास और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर बात की है। सूत्रों का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की है। इस संबंध में पार्टी का पक्ष उनके समक्ष रखा है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि लोग जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। दोनों के बीच अमरनाथ यात्रा तथा राज्य के पर्यटन को लेकर भी बात हुई है। महबूबा मुफ्ती ने विश्वास दिलाया है कि कश्मीरी अपनी आतिथ्य परंपरा के तहत दिल खोलकर अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करेंगे। उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राज्यपाल से मिली है। अनंतनाग लोकसभा सीट से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। पिछले दिनों पार्टी की राजनीतिक मसलों की समिति की बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई थी। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल की जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की है। दोनों दलों ने गठबंधन कर पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ये जानकारी दोनों नेताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी और जेकेपीएम ने चुनाव पूर्व गठबंधन करने और पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एकजुट होने का फैसला किया है। फैसल ने बताया कि गठबंधन करना राज्य में मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने की आशंका और विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के अभाव की वजह से जरूरी हो गया है। इंजीनियर राशिद ने कहा कि पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट धर्म, क्षेत्र, जाति से ऊपर उठकर राज्य के लोगों को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेगा। साथ ही राज्य के नागरिकों को समान अवसर व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मुहैया कराने की कोशिश करेगा। ज्ञात हो कि 2010 के आईएएस टॉपर शाह फैजल ने इस साल जनवरी में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। पूर्व जेएनयू अध्यक्ष शेला रशीद समेत कई लोगों ने शाह फैजल की पार्टी का दामन थामा है। फैजल ने लोकसभा चुनाव के दौरान बारामूला से लड़ रहे इंजीनियर रशीद को समर्थन दिया था। अभी तक के इस बुलेटिन में इतना ही।
हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे यू फॉर यू वॉइस. नमस्कार.